मायावती और अखिलेश का गठबंधन टूट गया। 25 साल बाद दोनों दल मिले थे, लेकिन 5 महीने 15 दिन में ही दोनों की राहें जुदा हो गईं। मायावती ने गठबंधन तोड़ दिया है और गठबंधन तोड़कर अखिलेश को राजनीति का कच्चा खिलाड़ी साबित कर दिया है। मायावती के मुताबिक अखिलेश भविष्य में अच्छा करेंगे और अगर मायावती को अच्छा लगेगा तो वो अखिलेश के साथ गठबंधन करने पर विचार करेंगे, लेकिन अभी अखिलेश अपना रास्ता देखें, सीखें, फिर मिलेंगे किसी मोड़ पर। इस चुनाव में सपा का बेस वोट अर्थात यादव समाज अपने यादव बहुल्य जहां पर इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, अपने यादव बहुल्य सीटों पर भी सपा के साथ पूरी मजबूती के साथ टिका हुआ नहीं रह सका है। अर्थात अंदर अंदर ना जाने किस बात की नाराजगी के तहत भीतर घात किया है। मायावती के मुताबिक उत्तर प्रदेश के यादव अखिलेश के कहे में नहीं चलते, इसीलिए मायावती भी अब अखिलेश के साथ नहीं रह सकती। माया की बातों को गहराई से समझें तो उनके मुताबिक दलित वोट उनके साथ ऐसे चिपका रहा जैसे फेविकोल का जोड़। अखिलेश ने अपनी सांसें देकर मायावती को जीरो से जिंदा कर दिया है, लेकिन मायावती ने गठबंधन तोड़ते समय खुद को ऐसे साबित किया जैसे वो बहुत नुकसान में चली गई और गठबंधन उनके जीवन की बहुत बड़ी गलती थी। और यदि हमें लगेगा कि सपा प्रमुख अपने राजनीतिक कार्यों को करने के साथ साथ अपने लोगों को मिशनरी बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम लोग जरूर आगे भी मिलकर साथ में चलेंगे, और अगर वे किसी कारणवश इस काम में सफल नहीं हो पाते हैं तो फिर हम लोगों का अकेले ही चलना ज्यादा बेहतर होगा। मायावती को अखिलेश को छोटा साबित करने के लिए कुछ तो कहना ही था और साबित भी कर दिया। पहले प्यार से सहलाया और फिर अखिलेश को राजनीतिक धोखे की ऐसी खाई में फेंका जिससे अगले चुनाव तक अखिलेश यादव कैसे उभरेंगे वो सोच नहीं पाएंगे। मायावती का चालाकी में लिपटा हुआ प्रेम सुनिए और फिर आगे दिखाएंगे कि कैसे दलितों ने मायावती की एक भी बात नहीं सुनी। सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव व उनकी पत्नी श्रीमती डिंपल यादव भी मुझे पूरे दिल से व पूरे आदर सम्मान से अपना बड़ा व आदर्श मानकर मेरी बहुत इज्जत करते हैं। हमारे ये रिश्ते केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ही नहीं बने हैं, बल्कि ये रिश्ते आगे भी हर सुख दुख की घड़ी में हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे। अब आपको मायावती का कोरा झूठ दिखाते हैं, कैसे मायावती के कहने से दलितों ने सपा के प्रत्याशियों को वोट नहीं दिया बल्कि बीजेपी के साथ चले गए। दलित वोटर को जहां भी साइकिल पर वोट देने का नंबर आया वो बीजेपी की तरफ मुड़ गया। देखिए, पहली सीट मैनपुरी की है जहां मुलायम सिंह यादव खड़े थे। 2014 में इनको 59% वोट मिले थे, लेकिन मायावती से गठबंधन करने के बाद 53% ही रह गए, जबकि 2014 में यहां मायावती का 14% वोट बैंक था जो कि मुलायम सिंह को नहीं मिला। अगली सीट फिरोजाबाद की है, यहां अक्षय यादव खड़े थे। 2014 में इनको 48% वोट मिला था और 2019 में जब गठबंधन करके लड़े तो 43% ही रह गए। 2014 में मायावती को 10% वोट बैंक यहां था, लेकिन वो भी यहां नहीं मिला। अब बदायूं की सीट देखिए। बदायूं में धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़े, 2014 में 48% वोट पाए थे और 2019 में केवल 45% रह गए, जबकि 2014 में यहां मायावती का 15% वोट बैंक था और ये वोट बैंक कहां गया मायावती को नहीं मालूम। अब कन्नौज सीट देखिए। डिंपल यादव यहां से चुनाव लड़ी और हार गई। 2014 में 43% वोट बैंक था और 2019 में थोड़ा सा बढ़कर 48% हुआ। यहाँ भी मायावती के पास 11% वोट बैंक था, लेकिन मायावती का पूरा वोट बैंक डिंपल यादव की तरफ ट्रांसफर नहीं हुआ। इन सीटों पर डिंपल, धर्मेंद्र और अक्षय यादव चुनाव हार चुके हैं क्योंकि मायावती का कोर वोट मिला ही नहीं, और जीरो पर खड़ी मायावती 10 सीटों पर पहुंच गई, फिर भी यादवों पर ठीकरा फोड़ रही है। मायावती को हर सीट पर सपा का लगभग 2 लाख वोट मिला है, लेकिन अभी जो सीटें हमने आपको दिखाई हैं, उनमें मायावती का वोट सपा में ट्रांसफर होने के बजाय पिछली बार से कम वोट मिले। अखिलेश यादव अब भी अपनी अच्छाई के देवता वाली इमेज को तोड़कर बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो अभी भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच रहे हैं। समाजवादी पार्टी में कुछ लोगों को छोड़कर कार्यकर्ताओं में शिवपाल को सपा में वापस लेने की चर्चाएं चलने लगी,
जो कम से कम बुआ की तरह धोखा नहीं देंगे। अगर शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में वापस आते हैं तो सपा जो भी करेगी वो अपने दम पर करेगी। आपको बुआ नहीं बोलना चाहिए, आप पत्रकार हैं। अगर गठबंधन टूटा है या गठबंधन के बारे में जो बात रखी गई है, मैं उस पर बहुत सोच समझ करके विचार करूंगा। समाजवादी पार्टी भी 11 सीटों पर पार्टी से राय मशवरा कर करके अकेले लड़ेगी। यह गठबंधन मजबूरी का था या बेमौसम था, इस पर यही इतना कहना बस मुनासिब होगा कि दुश्मनी जमकर करो, मगर इतनी गुंजाइश रहे कि जब भी सामना हो शर्मिंदा ना होना पड़े। कैमरामैन गणेश के साथ वीरेंद्र सिंह, भारत समाचार, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं, गोंडा से खबर है। बिजली घरों की व्यवस्था और सुदृढ़ होगी, पावर कॉरपोरेशन बिजली घरों की